छठी मैया का कृपा है, इसीलिए पूरे परिवार श्रद्धा से अपना कृपा है उनको तो प्रसाद के रूप में दूध बटा रहा है। कितना दूध लगभग बटा गया होगा अभी तक? आठ नौ केन दूध बटा चुका है और नौ केन में 360 लीटर दूध है। तकरीबन हम आपको बता दें, एक केन में 40 से 45 लीटर दूध होता है, 9 केन लगभग आ गया ना। और जैसे जैसे कमता है वैसे वैसे आ रहा है दूध आ भी रहा है, अभी आ रहा है। आराध्य है छठी मैया का, जो आप छठी मैया का आराध्य यही है जो कि जो मनोकामना हमारे माता राम पूरा करेंगे, तो फिर से मतलब फिर जहाँ तक बनेगी वहाँ तक बनाएंगे। अच्छा, तो मतलब कि कितना आप लोग अभी दूध यहाँ पर? अभी लगभग 9 केन हम मंगाए हैं साल, हर साल एक केन का बढ़ाते जा रहे हैं, 5 केन से शुरुआत की। छठ पूजा के नाम पर हम लोग खुशी होकर के बांट रहे हैं, छठ पूजा के नाम पर। हाँ, कोई अर्चना यहाँ पर भगवान जो सूर्य से, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य भगवान के जो सच्चे मन से मानते हैं पूरा हो जाता है। हाँ, मतलब भगवान हमको दे रहे हैं, हम उनको नाम से चढ़ खुशी इसके अमर में दूध बांट रहे हैं छठ की पूजा के लिए। खुशी से बांट दिए अभी तक। अभी तक 9 केन बटा गया, 9 केन। हाँ, जैसा कि बता रहे थे संतोष जी की, और मनोकामना पूरा होता जाएगा, हम हर एक साल एक बढ़ते जा रहे हैं। जितना माने पर कामना पूरा हो जाएगा उसका और बढ़ते जाएगा दूध, और बढ़ते जाएगा। देखिए 3-4 क्विंटल दूध बांट रहे हैं, छठ मैया दे रहे हैं हमको, तो हम बांट रहे हैं प्रसाद के रूप में। छठ मैया दे रहे हैं आप, लगातार बांटते जा रहे हैं, साले साल बांट रहे हैं, भगवान पूर्ति करते जा रहे हैं, उन्हीं में से थोड़ा लोगों को दे रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन, आप देख रहे हैं पोस्ट एबीबी। अभी छठ का समय है और मैं एक ऐसे परिवार से आपको मिलाने जा रहा हूं जो पिछले 3-4 वर्षों में हजारों लीटर से ऊपर दूध गरीब में या जो व्यक्ति छठ करते हैं उनको दान के रूप में लगातार पिछले 3-4 वर्षों से दान करते आ रहे हैं। उस परिवार से हम आपको मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको छठ की जो महिमा है, क्योंकि जो छठ बिहार में, खासकर बिहार और यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आदि राज्यों में जो मनाया जा रहा था, वो अब धीरे धीरे बढ़कर पूरा वैश्विक स्तर पर पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। अपितु यह सिर्फ एक हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म के हिसाब से मनाया जाता था, लेकिन अब पूरी दुनिया में अलग अलग धर्मों के लोग इसे मना रहे हैं। हम आपको बताते चले कि यह एक ऐसी पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है, यह बिहार की एक संस्कृति बन चुका है, और इसमें लगातार हिंदू द्वारा मनाया जाने वाला जो यह पर्व है, वह पूरा दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग इसे बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कैसे संतोष जी दूध लोगों को बांट रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी हम इस त्यौहार के बारे में देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल के लोग दूसरे देश में रहते हैं, वो लोग भी इस त्यौहार को वहीं पर रह करके बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 4 दिन तक यह पर्व चलने वाला है, वो सबसे बड़ा यह त्यौहार है। भारत, बिहार समेत पूरे भारत और दुनिया में लोग अलग अलग जगह से लोग इसे मनाते हैं। खास करके जब मिथिला में छठ के दौरान मैथिल महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती धोती पहनते हैं लोग, तो यह एक अलग ही अनुभव देता है। त्यौहार में जब अनुष्ठान होते हैं वह बहुत ही कठोर होते हैं, क्योंकि यह जो अनुष्ठान होता है यह 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान होता है, उपवास होता है, और पीने की पानी से दूर रहना होता है, खास करके लंबे समय तक पानी में खड़ा रहना भी होता है, और प्रसाद और अर्घ देना शामिल है। तो हम बताएं कि आपको 4 दिन तक यह सबसे बड़ी एक छठ है जो पूरे बिहार होते हुए अलग अलग राज्यों के साथ पूरी दुनिया में मनाया जाता है। चलिए हम संतोष जी से आप बात करते हैं। अब देखिए कब से आप कर रहे हैं ये? लगा के 4 साल हमको हो गया, 7 साल, 4 साल हो गया, 4 साल से। बहुत खुशी की बात है जो हम इसमें मतलब शामिल हो रहे हैं, जब तक हमको सक्षम होगा तब तक हम कर सकते। कैसे एक मन में आ गया? बहुत हमको खुशी हुई बात,
जो कि नहीं मतलब हमको मतलब इस तरीके से बांटना है, बस यही है। क्या आराध्य है छठी मैया का जो आप इतना? छठी मैया का आराध्य यही है जो कि जो मनोकामना हमारे माता राम पूरा करेंगे, तो फिर से मतलब फिर जहाँ तक बनेगी वहाँ तक बनाएंगे। अच्छा, तो मतलब कि कितना आप लोग अभी दूध यहाँ पर? अभी लगभग 9 केन हम मंगाए हैं साल, हर साल एक केन का बढ़ाते जा रहे हैं। 5 केन से शुरुआत किए थे। अच्छा, 5 केन से शुरुआत किए थे, अभी हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। 9 केन इस बार बांट रहे हैं, इस बार 9 केन बांट रहे हैं। तो कितना संख्या में लोग यहाँ पर आ तो है, देख लीजिए सर, आप लोग की नजर में देखने का चीज है, हजारों की संख्या में आ रहे हैं, आपको देखने का चीज है बस। तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक मनोकामना माता राम पूरा करेंगे तब तक चलते रहेगा। मतलब कुछ बताइएगा क्या छठ मैया का, या कब से आप लोग पूजा कर रहे हैं, या सिर्फ छठ मैया का? तो पूजा काफी दिन से हमारे घर परिवार में कर रहे हैं, लेकिन मेरा सोच जो हुआ लगभग 4 साल हो गया, माता राम जब तक हमको शामिल रखें इसमें तब तक मतलब ये हमारे माता जी हैं, ये हमारे छोटी माँ हुए, ये हमारा लड़का हुआ, ये हमारे भांजे हुए। चलिए, हम यही सब है हमारे। कब चाचा जी, कब से ये दूध का जो वितरण आप लोग कर रहे हैं, क्या मान्यता है जो आप लोग लगातार वितरण कर रहे हैं, इतना सेवा भाव से कर रहे हैं लोग? छठ पूजा के नाम पर हम लोग खुशी होकर के बांट रहे हैं, छठ पूजा के नाम पर। हाँ, हाँ। कोई अर्चना यहाँ पर भगवान जो सूर्य से, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य भगवान के जो सच्चे मन से मानता है पूरा हो जाता है। हाँ, मतलब भगवान हमको दे रहे हैं, हम उनको नाम से बांट रहे हैं। भगवान आपको दे रहे हैं और आप बांट रहे हैं यहाँ पर। देखिए, पूरा दिखाइएगा दूध, देखिए चाची की मन में है अपना दूध इतना बांटे छे। खुशी इसके अमर में दूध बांट रहे हैं छठ की पूजा के लिए। खुशी से अहाँ पूजा रख छठी व्रत के रखले है की? हाँ। कर अपने? हाँ, तो कर। अच्छा, अपने के हो गए। हाँ। और यहाँ पर देखिए बच्चे हैं, भगन भांजा है ना। देखिए इतना श्रद्धा से आप लोग दूध यहाँ पर बांट रहे हैं, जैसा कि संतोष जी ने बताया कि 4 साल से कर रहे हैं, 5 केन से स्टार्ट किया, 9 केन हो गया। जी जी, तो क्या मनोकामना आप भी रख रहे हैं, क्योंकि साथ दे रहे हैं आप लोग? जी, तो अच्छा लगता है इसे बांटने में, अच्छा लगता है सेवा करना। देखिए इनका लड़का है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या मन में कुछ भाव है भगवान से, अर्चना कर रखे हैं कि कुछ मिले? जी, रखे हुए हैं। देखिए पूरा परिवार यहाँ पर देखिए आनंद से ही लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक और यहाँ पर देखिए इनसे, यहाँ पर देखिए पूरा परिवार मिल करके ये देखिए सच्चे मन से दूध यहाँ पर 9 केन बांट रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि भगवान बांटने में अच्छा लग रहा है? और बांटने में अच्छा, इससे और मन और आगे भी बांटते रहेंगे, और आगे भी बांटते रहेंगे। चाचा जी ने बताया कि हमारा मनोकामना पूर्ण हो रहा है, इसलिए हम लगातार बांट रहे हैं। देखिए संतोष जी अब यहाँ पर लगातार दूध दे रहे हैं। जो सोच है माता राम जब तक पूरा कर देते हैं, जहाँ तक चलेगा बने वहाँ तक हम सक्षम है। अच्छा, जहाँ तक बनेगा वहाँ तक सक्षम है। हाँ। देखिए दूध यहाँ पर बांट रहे हैं, मतलब बांट रहे हैं तब तक जो गांव समाज में जो है कोई आदमी पैसे से खरीद रहे हैं, कोई 100 रुपया, कोई 150 रुपया लीटर, लेकिन हमारा खुशी है जो है फ्री में मतलब वितरण करें, माता राम का प्रसाद के लिए शामिल हो, जहाँ तक चलेगा बनेगा, बस यही खुशी है। चलिए खुशी से मतलब वितरण कर रहे हैं, किसी से कोई दबाव नहीं है, हमारा घर परिवार खुश है, हम लोग खुश हैं, इसी अनुसार यहाँ पर भी 3 केन रखा हुआ है और लगातार सवेरे से यह वितरण कर रहे हैं। आप लोग लगातार वितरण कितने दिनों से ही कर रहे हैं? 4-5 साल से। 4-5 साल से कर रहे हैं। क्या मनोकामना है जो लगातार? मनोकामना पूरा होता है, माने उत्साह बढ़ता है। अच्छा, उत्साह बढ़ता है, इसलिए आप लोग लगातार कर रहे हैं, छठी मैया पूरा करते जा रहे हैं। हाँ, पूरा करते जा रहे। और वही तो आप बता रहे कि छठी मैया पूरा करें, कितना दूध लगभग बांट दिए अभी तक? अभी तक 9 केन बांटा गया। 9 केन? हाँ, जैसा कि बता रहे थे संतोष जी की, और मनोकामना पूरा होता जाएगा, हम हर एक साल एक बढ़ते जा रहे हैं, जितना माने पर कामना पूरा हो जाएगा उसका और बढ़ते जाएगा दूध, और बढ़ते जाएगा। देखिए यहाँ पर बोले कि जितना मनोकामना पूर्ण हो रहा है यहाँ पर लगातार बढ़ते। यहाँ पर देखिए 3 केन यहाँ पर ही रखे हुए हैं, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए, पूरा बगड़ा पंचायत हो या अलग अलग जगह से, जहाँ से भी लोग आए इनको दूध यहाँ पर कोई पैसे नहीं लगता है, सच्ची श्रद्धा से ये अपनी सेवा कर रहे हैं लोगों को। आप देख रहे हैं पॉजिटिव, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, धन्यवाद। देखिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और लोग यहाँ पर दूध के लिए लगातार आ रहे हैं, और यहाँ पर दूध इनके पास काफ़ी संख्या में भी मात्रा में स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि वहाँ से बाहर से निकालने में दिक्कत है, निकाल कर फिर इन लोगों को बांटा जा रहा है। आप लोग पूछ लेते हैं थोड़ा सा इनके से, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर?
दूध लेने, दूध लेने के लिए हर साल आते हैं यहाँ पर। हाँ। यहाँ से दूध मिल जाता है। हाँ। भगवान के नाम पर कहा है चाची दूध ले ले, दूध लेने के लिए। हाँ। आज का दिन ही ऐसा है ना, हर साल से बिना पैसा के, बगैर पैसा के। ये आराध्य है यहाँ पर, देखिए लगातार यहाँ पर संतोष जी और इनके पूरी फैमिली। क्या है यहाँ पर दूध लेने के लिए? हर साल मिलता है दूध यहाँ पर? हाँ मिला, हर साल मिला। देखिए यहाँ पर लगातार यहाँ पर हर साल यहाँ पर दूध मिल जा रहा है यहाँ पर। चाची जी कहे अलिए हैं दूध लेवे? हाँ हर साल मिले ही दूध। हाँ हर साल मिले। चलिए देखिए लगातार यहाँ पर जो छठ व्रती हैं या जो नहीं है, मामा दूध ला लिए हैं यहाँ, दूध मिल जाए, दूध मिल जाए यहाँ, दूध ला लिए हैं, दूध मिल जाइए नहीं हर साल? ना हम पहले बार आए। अच्छा ठीक है, मतलब पहला बार लिए हैं यहाँ पर, दूध यहाँ मिले ना। हाँ, हाँ। चलिए देखिए कुछ लोग यहाँ पर नए नए हैं, वो लोग भी यहाँ पर आए हैं। देखिए तब यहाँ पर इतना भीड़ लगा हुआ है, क्यों? दूध के लिए, दूध के लिए यहाँ पर लगातार बांट रहे हैं यहाँ पर। क्या लगता है कि जो क्या मनोकामना छठी मैया पूरा कर रहे हैं इसलिए लगातार बांट रहे हैं? लगातार बांट रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में, धीरे धीरे अभी थोड़ा भीड़ कम हुआ था लेकिन फिर लगातार धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और लाइन में लाकर यहाँ पर सबको देखिए दूध यहाँ पर वितरण करते हुए। और सारे यहाँ पर जो महिला आएगी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अभी बने रहे हमारे साथ। अब देखिए यहाँ पर हैं अहलाद जी हैं, सर हैं यहाँ पर। आप इतना दूर से आए, एक किलोमीटर से ऊपर दूरी? हाँ लगभग एक किलोमीटर, पत्थरघाट से हम आए हैं। पत्थरघाट से यहाँ? हाँ, मेरा नाम अहलाद कुमार हुआ, हम यहाँ के शिक्षक हैं और ये संतोष जी जो है लगभग 2018 से लगातार दूध बांट रहे हैं। छठी मैया के प्रति इनका महिमा बहुत अगम अपार है, इनके मन में श्रद्धा है, भाव है ना, ये विश्वास है, इसीलिए जो है ये हर साल जो है और आगे भी बांटते रहेंगे। आगे भी बांटते? हाँ आगे भी बांटते रहेंगे, जब तक इनका मन का मनोकामना पूर्ण होते रहेगा तब तक ये जो है मतलब कि इस तरह का कार्य, सराहनीय कार्य जो समाज में होना चाहिए ये करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक लगातार ही बांट रहे हैं इनका मनोकामना पूर्ण, क्या कहना? परिवार वालों से मेरा खुशी है, जैसे जैसे मतलब हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे मेरा मनोकामना पूरा होगा वैसे जैसे मतलब वितरण करते बढ़ेंगे। जैसे जैसे मनोकामना पूर्ण होता जा रहा है, इनके पूरे परिवार हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इनके पूरे परिवार के साथ हम यहाँ पर हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि पूरे परिवार आप लोग श्रद्धा से पूरे बांट रहे दूध लगातार? संतोष जी जैसा बता रहे खुशी मिलता है, छठी मैया का कृपा है इसीलिए पूरे परिवार श्रद्धा से अपना कृपा है उनको, तो प्रसाद के रूप में दूध बटा रहा है। कितना दूध लगभग बटा गया होगा अभी तक? आठ नौ केन दूध बटा चुका है और 9 केन में 360 लीटर दूध है तकरीबन। हम आपको बता दें एक केन में 40 से 45 लीटर दूध होता है, 9 केन लगभग आ गया ना। और जैसे जैसे कमता है वैसे वैसे आ रहा है दूध। दूध आ भी रहा है? अभी आ रहा है। चलिए यहाँ पर और चाची जी ये श्रद्धा इतना है, लोग यहाँ पर 1 लीटर दूध खरीदने जाते हैं, यहाँ पर 9 केन लगभग 3-4 क्विंटल दूध बांट रहे हैं। छठ मैया दे रहे हैं हमको, तो हम बांट रहे हैं प्रसाद के रूप में अपना। छठ मैया दे रहे हैं आप लगातार बांटते जा रहे हैं? हाँ, साले साल बांट रहे हैं, भगवान पूर्ति करते जा रहे हैं, पुनः में से थोड़ा लोगों को दे रहे हैं। तो यहाँ पर चाची जी हाँ वही बात है, छठ मैया दे रहे हैं हम लोग, जो मन में भावना रखते हैं वो पूरा होता है, तो हम लोग बांट रहे हैं। जात है, जात के साथ हम लोग सब पूरे परिवार खुशी में रहते हैं। पूरे परिवार खुशी में रहते हैं? हाँ पूरे परिवार मिलजुल कर खुशी से बांट रहे हैं। चलिए और यहाँ पर महिला भगवान देते जा रहे हैं और आप उसी में छठ भगवान हर चीज में जो पूरा किए इसीलिए छठ माता को नाम से सारा बर्व हम लोग पूरे खुशी से बांट रहे हैं। खुशी से बांट रहे हैं, सारा बर्व बांट रहे हैं सारा। सब जा रही आप तो सब पूरा परिवार? हाँ पूरा परिवार के लेके हम बांट रहे हैं खुशी के मोर में, दूध बांट रहे हैं खुशी के मोर में पूरा परिवार लेके। हाँ आगे में बढ़े तो आर कुछ बांट सके हैं। अच्छा आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं लगातार बांट रहे हैं। देखो पूरे परिवार सहित यहाँ पर दूध बांटते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बगरा पंचायत हो या अलग अलग से लगातार यहाँ पर आते हुए हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। देखिए यहाँ पर कैसे पूरे बगरा पंचायत हो या अलग अलग जहाँ तक लोगों को जानकारी, यहाँ पर अभी तक 9 केन दूध बांट चुके हैं और लगातार हर साल ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपने देखा कैसे पूरे परिवार के साथ संतोष जी और उनका पूरा परिवार
हम उनका घर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे उनका घर है और घर पर ही लगातार वो पिछले कई साल से दूध बांटने का काम कर रहे हैं और अभी तक हजारों लीटर। देखिए पूरा परिवार का उनका तस्वीर है सामने। देखिए दूध लेने के लिए काफ़ी संख्या में बच्चे भी हैं और गार्जियन भी आए हुए हैं और अभी दूध, चूँकि हम अब उनसे थोड़ा बात किए थे इसलिए यहाँ पर थोड़ा दूध देने का क्रम रुका हुआ था, लेकिन बीच बीच में वो दूध दे रहे थे। आप देखिए पूरा परिवार है उनका सामने, आप तस्वीरों के माध्यम से जो वीडियो है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं पूरे परिवार लगातार लोगों को दूध बांट रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि जी आप इधर आ जाइए, हम दूध अभी देंगे। थोड़ा सा चूँकि मैं वहाँ पर पहुँच गया और पूरे श्रद्धा के साथ लगातार छठ माई को लेकर के पूरे जोश में वहाँ पर दूध बांटते हुए नज़र आ रहे होंगे और पूरी श्रद्धा है। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं पूरी श्रद्धा के साथ लगातार दूध ले भी रहे हैं और ये सच्चे मन से दूध दे भी रहे हैं। तो आप देख रहे हैं पोस्ट एबीवी, अगर हमारे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी के लिए धन्यवाद।